बिहार के बक्सर में पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। इस बीच पुलिस का भी अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां मंगलवार देर रात पुलिस किसानों के घर में घुसी और किसानों को पीट डाला। दावा है कि इस दौरान महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। इस घटना से गुस्साए किसानों ने पावर प्लांट के बाहर जमकर बवाल काटा। दरअसल चौसा में पावर प्लांट के लिए किसानों का भूमि अधिग्रहण 2010-11 से पहले ही किया गया था। किसानों को तब के सर्कल रेट के अनुसार मुआवजा मिला। अब जब कंपनी ने जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू की तो किसान अब मौजूदा दर के हिसाब से अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने पावर प्लांट के बाहर बने तनावपूर्ण हालात का जायजा लिया। ये चौसा पावर प्लांट है, ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन आज ये दहक चुका है। आज पूरा यहाँ पर किसानों के द्वारा जबरदस्त तोड़फोड़ किया गया है। यहाँ पर मैं अपने सहयोग कहूँगा, जरा दिखाएं कि कैसे ये शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कैसे किसान रात भर उपद्रव करते रहे, पूरा का पूरा तोड़फोड़ करते रहे। वहाँ की इस जो केबिन है उसको जला दिया गया है। उसके बाद ये धुआं है, दिखाएं जैसा धुआं है, ये उन्हीं के द्वारा सारा कुछ किया गया, जलाया गया है। और ये प्लांट का मुख्य एरिया है जहाँ पर जलाया गया है। इसके पीछे, मेरे पीछे ये जो गाड़ी है, उस गाड़ी की तरफ जरा हम जाएंगे। जो गाड़ी को फूंक दिया गया है, वो सामने जो धुआं उठ रहा है वो किसी शेड से उठ रहा है, फूंक दिया गया है। यहाँ पर ये गाड़ी है, यही वो गाड़ी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ इसके जलते हुए। आप वीडियो देख सकते हैं कैसे ये गाड़ी जल रही थी। और ये लगातार जो काफ़ी हंगामा काफ़ी तेज हुआ था, लोग जो किसान थे वो इस जगह पर काफ़ी जमे हुए थे और पूरे चौसा का जो पावर प्लांट था उसको फूंकने की तैयारी थी किसानों के द्वारा। चूंकि वो 88 दिनों से अपनी मांग कर रहे थे, उसके बाद कल रात में किसानों पर पुलिस के द्वारा एक्शन हुआ और उसका वीडियो सामने आया। उसके बाद किसान हंगामा करने लगे और यहाँ पर सुबह से ही किसान आए और ये पूरा का पूरा जो एरिया है उसको फूंकने की तैयारी से, जो प्लांट बन रहा था उसको फूंकने की तैयारी थी। अभी फिलहाल का जो अपडेट यही है कि प्लांट बंद हो चुका है, यहाँ पर काम रुक गया है और ये हंगामा के चलते और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जरा आप सहयोग दिखाएं कैसे ये गाड़ी है जो गाड़ी को फूंक दिए गई, ये अंदर से पूरी की पूरी गाड़ी को एकदम, ये पुलिस का वज्र वाहन है, वो पुलिस की गाड़ी है जो खड़ी है, उस सुरक्षा के लिए खड़ी थी, पुलिस की जो गाड़ी है वो सुरक्षा के लिए खड़ी थी, उसको फूंक दी गई। यानी कि कई गाड़ियों को फूंका गया है, साथ में कई सामान ऐसे हैं जो जरूरी सामान, उनको तोड़फोड़ की गई है। वहाँ पर देखिए कैसे गाड़ी का जो बैटरी है उसको निकाल कर फेंक दिया गया। यानी कि किसान जो है लगातार हंगामा कर रहे थे, हंगामा करने के बाद वो यहाँ से जब पुलिस का जबरदस्त एक्शन हुआ तो यहाँ से भागे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हंगामा रुका नहीं है।